गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आई एम राजन तिवारी एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू माय ग्रैंड मदर्स हाउस। इट इज़ फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ इंटरमीडिएट बिहार बोर्ड। मैं राजन तिवारी एडी सर के बैनर तले एक बार फिर आपके साथ हूँ और आज मैं आप लोगों को एक पोएट्री पढ़ाने जा रहा हूँ, माय ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरी दादी माँ का घर, जिसे कमला दास ने लिखा हुआ है। और सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय देखेंगे, लेखिका का परिचय देखेंगे। कमला दास बोर्न मार्च 1934 को इनका जन्म हुआ। पोएट हैं, कवित्री हैं, पोएटेस वैसे बोला जाता है और आधुनिक में पोएट ही कहा जा रहा है महिला लेखिकाओं को भी। एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, छोटी कहानियों की लेखिका हैं। हैज़ अर्न्ड ए रिस्पेक्टेबल प्लेस इन बोथ इंग्लिश एंड मलयालम लिटरेचर। इन्होंने एक सम्माननीय स्थान प्राप्त किया है, दोनों में प्राप्त किया है, अंग्रेजी साहित्य में भी और मलयालम साहित्य में भी। यहाँ पे उनका जन्म कहाँ हुआ ये नहीं बताया गया है, मैं आपको बता दूँ, वो केरल की थी और केरल का लैंग्वेज मलयालम है, तो मलयालम साहित्य में भी वो सम्माननीय स्थान रखती हैं और अंग्रेजी में भी। हर ऑटोबायोग्राफी पब्लिश्ड इन 1976। उनकी जीवनी, ऑटोबायोग्राफी वो होती है जो कोई खुद से लिखता है अपने जीवन के बारे में, और बायोग्राफी वो होती है जो किसी की जीवनी कोई और लिखता है। दैट इज बायोग्राफी, और ऑटोबायोग्राफी खुद से लिखी जाती है अपने जीवन के बारे में। क्रिएटेड क्वाइट स्टाइल, तो इनकी जो ऑटोबायोग्राफी थी, इनकी जीवनी ने काफ़ी विवाद खड़ा कर दिया। वैसे क्रिएट ए सैटायर, ये आर्टिस्ट लेसन में भी है, हलचल मचा देना, विवाद खड़ा कर देना। इन 1984 में सी वाज शॉर्ट लिस्टेड फॉर द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। साहित्य में नोबेल पुरस्कार के लिए इनका नाम शॉर्ट लिस्ट किया गया, मतलब इनको जैसे नोबेल साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार देने के लिए 1984 में जिन लोगों के नाम पे विचार किया गया उनमें कमला दास का भी नाम शामिल था, हालांकि उन्हें वो पुरस्कार नहीं मिल सका। हर इम्पोर्टेंट वॉल्यूम्स ऑफ वर्स इन इंग्लिश इंक्लूड समर इन कोलकाता 1963, साइरेंस 1964, द डिसेंडेंट्स 1967, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स 1973, द एनिमेटल पोएम्स 1985, ओनली सेंट नोज हाउ टू सिंग 1996, एंड यस अल्लाह 2001। वर्क मतलब काम होता है, लेकिन जब वर्क में जब एस लग जाता है तो वर्क्स हो जाता है साहित्यिक रचना, तो यहाँ पे वर्क्स का तो कोई जिक्र नहीं है, लेकिन फिर भी जो इनकी साहित्यिक रचनाएं हैं, इम्पोर्टेंट वॉल्यूम्स ऑफ वर्स, इनकी कविताओं की जो महत्वपूर्ण श्रृंखलाएँ हैं, रचनाएँ हैं, वो है अंग्रेजी में समर इन कोलकाता, जिसकी रचना उन्होंने 1963 में की थी, साइरेंस 1964 में, द डिसेंडेंट्स 1967 में, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स 1973 में, द एनिमेटल पोएम्स 1985 में, ओनली सेंट नोज हाउ टू सिंग 1996 में, और यस अल्लाह 2001 में। कमला दास पोएट्री इज प्राइमरीली ऑटोबायोग्राफिकल एंड हर थीम इज लव ऑफ ए लोनली हार्ट। कमला दास की जो कविताएं हैं वो प्रमुख रूप से, प्रमुखता से जीवनी संबंधित हैं, ऑटोबायोग्राफिकल हैं, और उनकी जो थीम है, विषय वस्तु है कविताओं की, वो क्या है, लव ऑफ ए लोनली हार्ट, एक अकेले हृदय का प्रेम, लव विद नेवर एंडिंग पैशन, लस्ट, ग्रीड एंड हंगर दैट नेवर सेटिएट। और ये एक ऐसा प्रेम है जिसमें कभी न खत्म होने वाला जुनून है, इच्छाएं हैं, लस्ट, अब उसको मैं थोड़ा सा क्लियरली स्पष्ट नहीं करना चाहूँगा, आप लोग डिक्शनरी देखेंगे, ग्रीड है, लालच है, और एक ऐसी भूख है जो कभी नहीं तृप्त हुई, सेटिएट, एक ऐसी प्यास है जो कभी नहीं मिटी, है ना। सेटिएट मीन्स वी क्वेंच ए थर्स्ट, और प्यास को बुझाने के लिए क्वेंच इंग्लिश होती है, या सेटिएट, तृप्त होना। सी इज नोन फॉर सेक्सुअल एडवेंचर्स इन हर राइटिंग्स।
सेक्स से जुड़ा कुछ ऐसा ये लिखती हैं, महिलाएं कम ही लिखती होंगी इस बारे में, लेकिन ये अपने थीम्स जो इनके इनकी जो विषय वस्तु होती है उनमें सेक्स से जुड़ी चीज़ें भी होती हैं उनकी लेखनी में। फॉर हर लव हार्डली एवर गोज बियॉन्ड सेक्स एंड लस्ट, और उनके लिए उनके अनुसार प्रेम शायद ही कभी सेक्स और लस्ट से दूर जाता है। मतलब उनके लिए प्रेम जो है वो सेक्स और लस्ट तक सीमित है ज़्यादातर बार। विच इवन रीचेज द पॉइंट ऑफ नौसिया, और कभी कभी वो उनकी रचनाओं में इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो आपको खिजा देता है, उबा देता है, नौसिया। एंड इज रीबोर्न अगेन एंड अगेन विद न्यू विगोर, लेकिन फिर से कोई दूसरी रचना जब आप उनकी पढ़ते हैं तो उसमें वो फिर से वही सेक्स और लॉस्ट आ जाता है और वो एक नई ऊर्जा के साथ उत्पन्न हो जाता है, आपको फिर से उसमें इंटरेस्ट आता है। कमलादास रिवील्स ए कमेंडेबल मास्टरी ऑफ फ्रेज एंड कंट्रोल ओवर रिदम, और कमलादास प्रकट करती हैं एक सम्माननीय मास्टरी, एक कमांड प्रस्तुत करती हैं उसका, उसको खोलती हैं किस चीज़ पे। उनकी रचनाओं से पता चलता है कि फ्रेज पे उनका बहुत ज़्यादा कमांड है, बहुत बढ़िया मास्टरी है उनकी, और सुरताल पे, कविताओं का जो सुरताल होता है उस पे भी उनका नियंत्रण है। द वर्ड्स आर ऑफन पेंटेड एंड द रिदम इज मार्वेलसली ऑलमोस्ट फीवरसली अलाइव, ऐसा लगता है कि वो शब्दों के साथ चित्रकारी करती हैं, वर्ड्स के साथ पेंटिंग करती हैं, है ना, मतलब इतने खूबसूरत ढंग से शब्दों को प्रस्तुत करती हैं कि वो एक प्रकार की चित्रकारी लगती है। और जो कविता का सुरताल होता है वो शानदार ढंग से लगभग सजीव होता है, फीवरसली सजीव होता है, इसका मतलब होता है कि अत्यधिक सजीव लगते हैं उनकी कविता का के का जो सुरताल है, लय है। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग, अपनी किताबें आप लोग देखते रहेंगे तो चलते हैं एक बार। पहला जो डिस्कशन के लिए टॉपिक है वो क्या है, डू यू एंजॉय द कंपनी ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स, डू यू एंजॉय द कंपनी ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स, क्या आप अपने माता पिता, अपने दादा दादी के साथ को उसका एंजॉय करते हैं, आनंद लेते हैं। व्हाट डू दे डू फॉर यू, वो आपके लिए क्या करते हैं। विच एक्ट ऑफ देयर्स डू यू लाइक मोस्ट, उनका कौन सा कार्य आपको ज़्यादा पसंद आता है। तो ऑब्वियसली वैसे जो सौभाग्यशाली होते हैं वो अपने दादा दादी को देखे होते हैं। मैं जैसे क्लासरूम में छात्रों से बात करता रहता हूँ अक्सर, दो चार क्लासेज इंटरमीडिएट की चलती रहती हैं हर साल, तो बहुत सारे स्टूडेंट से इंटरेक्शन होता है बॉयज़ और गर्ल्स। तो कुछ लोग कहते हैं कि मैंने तो दादा को नहीं देखा, तो मैंने दादी को नहीं देखा, तो मैंने दोनों को नहीं देखा। कुछ लोग सौभाग्यशाली हैं, वो कहते हैं कि मैंने दोनों को देखा है। तो निश्चित रूप से हम अपने दादा दादी की कंपनी को एंजॉय करते हैं, क्योंकि उनका एक जो प्रेम है वो एक दूसरे ढंग का प्रेम होता है। माँ बाप का प्रेम एक अलग है, दादा दादी का प्रेम एक अलग टाइप का होता है, भाई बहन का प्रेम एक अलग टाइप का होता है, हर प्रेम में कुछ अलग होता है, मित्र का प्रेम एक अलग होता है। तो आपके लिए क्या करते हैं आपके दादा दादी, अब ये सवाल का जवाब आप लोग सामने रहते तो मैं जान पाता, फिर भी आप लोग खुद से सोचने का प्रयास करिए कि आपके दादा दादी आपके लिए क्या करते हैं और उनका कौन सा काम पसंद है आपको। तो दादाजी से गए धीरे से चुपके से मांग लिए, दादाजी थोड़ा दीजिए ना, वो पैसा दे दीजिए थोड़ा सा, ये वाला काम है। तो पापा उधर से नहीं दिए तो दादाजी दे दिए, दादाजी नहीं दिए तो दादी माँ दे दी। तो ऐसे काम बनता रहता है दादा दादी के होने से, और आप लोग महसूस करते होंगे। और उसके बाद डोंट यू थिंक दैट, सेकंड क्वेश्चन है डिस्कशन के लिए, डोंट यू थिंक दैट ओल्ड पीपल शुड बी रिस्पेक्टेड, क्या आपको नहीं लगता कि बूढ़े लोगों का सम्मान किया जाना चाहिए। तो निश्चित रूप से हमें बूढ़ों का सम्मान, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि कल गए हम भी बूढ़े होंगे, और अगर हम आज अपने बूढ़ों को सम्मान नहीं देते हैं तो कल आप जब बूढ़े होंगे तो आपको कोई सम्मान देने वाला नहीं मिलेगा। एंड थर्ड क्वेश्चन इज, बिग सिटीज लैक ह्यूमन वार्थ एंड लव, डू यू एग्री, बड़े शहरों में वो जो मानवीय रिश्तों में गर्मी होनी चाहिए, जो प्रेम होना चाहिए, उसकी कमी है, लैक है, क्या आप सहमत हैं।
तो अब आप रहें कि नहीं, मेरा ओपिनियन ये है कि बड़े शहरों में क्या, अब तो हम छोटे छोटे शहरों में भी रिश्तों में गर्माहट की कमी होने लगी है, और पापा कहीं बिजी हैं, मम्मी कहीं बिजी हैं, बच्चे स्कूल ट्यूशन कॉलेज में बिजी हैं, और एक दूसरे के लिए समय नहीं है, इतना ज़्यादा हम लोग व्यस्त हो गए हैं। हाँ, उसके बाद मोबाइल में बिजी हो गए हैं, फेसबुक पे फ्रेंड बनाते हैं, बगल वाले फ्रेंड से मिलने का समय नहीं है, ट्विटर पे रिलेशन बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे बनाते हैं, टेलीग्राम पे बनाते हैं, पता नहीं और कौन कौन से ऐप्स हैं, वहाँ हम लोग दोस्ती ढूंढते चल रहे हैं, प्रेम ढूंढते चल रहे हैं, और जो नज़दीक वाले हम लोगों के दोस्त प्रेमी रिश्तेदार हैं उनसे मिलने और बात करने का हम लोगों के पास समय नहीं है। तो निश्चित रूप से आधुनिकता के इस दौर में वो क्या होने लगा है, प्रेम और रिश्तों में जो गर्माहट है उसकी कमी आने लगी है। और उसके बाद हम लोग लेसन शुरू करेंगे माई ग्रैंड मदर्स हाउस। पहली लाइन है, देयर इज ए हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव। एक घर है जो अब दूर हो गया है, वो ऐसा घर है जहां मैं एक समय में, वंस आई रिसीव्ड लव, मुझे एक समय प्रेम मिलता था, मैंने प्रेम प्राप्त किया। दैट वुमेन डाइड, सॉरी, वुमेन डाइड, द हाउस वी ड्रीव इन टू साइलेंस। वो महिला गुजर गई, अब वो महिला इस दुनिया में नहीं है, और वो उस घर में अब सन्नाटा छा गया है, उस घर में शांति छा गई है। स्नेक्स मूव्ड, एमोंग बुक्स आई वॉज देन टू यंग टू रीड। सांप उन किताबों में घूम रहे हैं, उन किताबों के बीच घूम रहे हैं, जिन किताबों को पढ़ने के लिए उस समय मेरी उम्र बहुत कम थी, बहुत छोटी सी थी। मतलब लेखिका कभी अपनी दादी माँ के साथ रहती थी, और लेकिन अब दादी माँ गुजर गई हैं और अब उस घर में कोई रहने वाला नहीं है, वहाँ सन्नाटा छा गया है। दादी माँ के पास जो किताबें थीं, उन किताबों में अब सांप घूम रहे हैं। कवि की कल्पना है, जैसे किसी घर में ताला बंद कर दो तो घास फूस जम जाएगा, कीड़े मकोड़े रहने लगेंगे, वही वाली बात लेखिका बोलना चाह रही है। एंड माई ब्लड टर्न कोल्ड लाइक द मून, और मेरा खून ठंडा पड़ जाता है, शीतल पड़ जाता है, ठंडा मतलब उतना ठंडा हो जाता है जितना कि चांद शीतल होता है। तो ये सब देखती है जब लेखिका, तो उसे इतना दुख होता है कि वो उसका जो खून है वो ठंडा पड़ जाता है, उसके अंदर जोश का अभाव हो जाता है, उत्साह की कमी हो जाती है, वो उदास हो जाती है, मेनली ऐसा कह सकते हैं आप। हाउ ऑफेन, कितनी ही बार, कितनी बार आई थिंक ऑफ गोइंग देर टू पीयर थ्रू ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज, और जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर, और इन वाइल्ड डिस्पेयर पिक एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस टू ब्रिंग इट हियर टू लाई बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर लाइक ए ब्रूडिंग डॉग। कितनी ही बार मैं सोचती हूं कि वहां जाऊं, पियर वहां जाके झांकूं, ब्लाइंड मतलब पर्दे भी होते हैं, ब्लाइंड मतलब अंधा भी, तो वहां पे जो खिड़कियां बंद हैं जिन पे पर्दे लगे हुए हैं उनसे मैं झांकूं, पियर मतलब झांकना, पीप मतलब भी झांकना, और पीक मतलब भी झांकना, आर हटा के पी लगा दो फिर भी झांकना, और के लगा दो फिर भी झांकना, ये आप लोग ध्यान रखेंगे कभी काम आएगा। तो लेखिका का मन करता है कभी जा करके वहाँ जो बंद खिड़कियाँ हैं, वहाँ पर्दे लगे हुए हैं उन पे, उनको हटा करके वहाँ झांकू खिड़कियों से, या फिर वहाँ जा करके वहाँ के शीतल हवा को महसूस करूँ, गांव में शीतल हवा होती है, ठंडी हवा होती है, उसको महसूस करूँ। और इन वाइल्ड डिस्पेयर, या जब मुझे बहुत ज़्यादा निराशा होती है तो मेरा मन करता है कि मैं वहाँ जाऊँ, पिक एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस टू ब्रिंग इट हियर टू लाई, वहां से बाजू भर अंधेरा उठा करके ले आऊं। और उस क्यों अंधेरा क्यों चाहिए मुझे, मेरे बेडरूम के दरवाजे के बाहर वो अंधेरा मैं छोड़ दूंगी। लाइक ए ब्रूडिंग डॉग, ब्रूड मतलब गहन चिंता करना। कभी कभी आप लोग कुत्तों को देखिएगा, लगता है उसको देख करके इतनी शांति से बैठा होता है कि वो किसी सोच में डूबा हुआ है।
तो उसी तरह से लेखिका का मन करता है जब बहुत ही निराश होती है तो सोचती है कि वहाँ से जा कर के अंधेरा लेकर के आऊँ, है ना, और उस अंधेरे में को मैं वहाँ अपने बेडरूम के दरवाजे के पीछे छोड़ दूँ, मतलब वहाँ वाला अंधेरा इसको रास आ रहा है अपनी उदासी को मिटाने के लिए। और जैसे अब ये सब लेखिका किस परिस्थिति में सोच रही है, जैसे वो जब कोई कुत्ता सोच रहा होता है, गहरी सोच में होता है, तो लेखिका की स्थिति भी वैसी ही हुई रहती है। तो वो सोचती है कि वहाँ जाऊँ, वहाँ खिड़कियों से झांकूँ, वहाँ की शीतल हवा को महसूस करूँ, वहाँ से मुट्ठी भर अंधेरा उठा करके ले आऊँ। यू कांट बिलीव डार्लिंग कैन यू दैट आई लिव्ड इन सच ए हाउस एंड वॉज प्राउड एंड लव्ड। I who have lost my way and beg now at a stranger's doors to receive love at least in a small change. आप विश्वास नहीं कर सकते प्रिय, लेखिका हम लोगों को कह रही हैं, जो पढ़ने वाले उनको कह रही हैं कि आप विश्वास नहीं कर सकते प्रिय, क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि एक समय मैं एक ऐसे घर में रहती थी जिसमें रहने का मुझे गर्व था, उस घर को मैं प्रेम करती थी, पसंद करती थी, लेकिन आई हु हैव लॉस्ट माई वे एंड बेग नाउ एट ए स्ट्रेंजर्स डोर्स, लेकिन मैं वो हूँ कि जब मैं जो मैं अपना रास्ता खो चुकी हूँ और अब मैं अजनबियों के दरवाजे पर प्रार्थना करती हूँ, किस चीज़ के लिए, टू रिसीव लव, प्रेम प्राप्त करने के लिए, एट लीस्ट इन ए स्मॉल चेंज, कम से कम एक छोटे से बदलाव में। और वो छोटा सा बदलाव क्या है कि लेखिका की दादी माँ गुजर गई हैं और लेखिका को जितना प्रेम करती थी उतना उनको प्रेम करने वाला कोई नहीं है, और अब वो अजनबियों के दरवाजे पे भटक रही हैं प्रेम प्राप्त करने के लिए, लेकिन उनको कोई ऐसा नहीं मिल रहा है जो उनकी दादी माँ के तरह उनको प्रेम करे। और यहाँ पे हम लोग ये कविता ख़त्म कर चुके हैं, माई ग्रैंड मदर्स हाउस। और थोड़ा सा ट्रू फॉल्स मैं आप लोगों को बता दूँ, फर्स्ट है द वूमेन ऑफ द हाउस इज अलाइव, उस घर में जो महिला हैं वो जीवित हैं क्या, तो नहीं, वो महिला जीवित नहीं है, फॉल्स हो गया। द स्नेक्स वर सीन इन द हाउस, उस घर में सांप देखे जाते थे, बी में, तो हाँ देखे जाते थे, ट्रू है। द स्पीकर रेड द बुक्स विद ग्रेट इंटरेस्ट, बड़ी रुचि से जो कविता को बोल रही हैं, कविता को बोलने वाली हैं, उस किताबों को पढ़ती थी, तो नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि उस समय वो टू यंग थी, उनकी उम्र काफ़ी कम थी किताबों को पढ़ने के लिए। द स्पीकर विश टू पीप थ्रू द विंडो, और स्पीकर इच्छा करती हैं कि वो खिड़कियों से झांके, तो ये सही बात है। और ओरली मैं थोड़ा सा जो शॉर्ट क्वेश्चन है उनका भी आंसर कर दूं, हु इज आई इन द सेकेंड लाइन ऑफ द पोएम, तो कविता की सेकेंड लाइन में जो आई है वो स्पीकर हैं, कमला दास हैं या पोएट्रेस हैं। वेयर डिड द स्पीकर वंस रिसीव लव, कहाँ पे प्रेम प्राप्त किया स्पीकर ने, द स्पीकर वंस रिसीव्ड लव एट हर ग्रैंड मदर्स हाउस, एक समय स्पीकर को अपने ग्रैंड मदर के, अपने दादी माँ के घर पे प्रेम मिलता था। वाई डिड द हाउस गो इन टू साइलेंस, उस घर में शांति क्यों छा गई, द हाउस वेंट इन टू साइलेंस बिकॉज द ग्रैंड मदर हैज पास्ड नाउ, क्योंकि वो जो दादी माँ थी अब गुजर गई हैं। वाई वॉज द स्पीकर अनेबल टू रीड द बुक्स, और जो कविता को बोल रही हैं, जो कवि हैं, वो कविताओं किताबों को पढ़ने में असमर्थ क्यों हैं, बिकॉज द स्पीकर इज अनेबल, द स्पीकर वॉज अनेबल टू रीड द बुक्स बिकॉज सी वॉज टू यंग टू रीड देन, वो इतनी उनकी उम्र इतनी कम थी कि वो पढ़ नहीं सकती थी। वाई डिड द स्पीकर ऑफ एन विश टू गो टू द डेट हाउस, व्हेनेवर स्पीकर फेल्ट लोनली सी विश टू गो टू दैट हाउस, जब वो अकेला महसूस करती थी तो उस घर में जाना चाहती थी। और फिर उसके बाद वेट, वाई वॉज द स्पीकर प्राउड ऑफ लिविंग इन दैट हाउस, द स्पीकर वॉज प्राउड ऑफ लिविंग इन दैट हाउस बिकॉज देयर सी रिसीव्ड दैट मच लव वेयर सी वॉज नॉट गेटिंग एनी वेयर, उनको उस घर में रहने का गर्व इसलिए था क्योंकि उन्हें उतना प्रेम मिलता था उस घर में जितना उन्हें कहीं भी नहीं मिलता था। वाई डज द स्पीकर से दैट सी हैज लॉस्ट हर वे, वो क्यों कहती हैं कि वो अपना रास्ता भटक चुकी हैं, तो बिकॉज देयर इज नो वन टू लव हर एंड सी इज वांडरिंग एट ए स्ट्रेंजर्स डोर
है ना, सी इज बेगिंग नाउ एट ए स्ट्रेंजर्स डोर टू रिसीव लव, और वो प्रेम प्राप्त करने के लिए अजनबियों के दरवाजे पे भटक रही हैं, और इसलिए वो कहती हैं कि वो अपना रास्ता खो चुकी हैं। इज द स्पीकर सेटिस्फाइड विद हर प्रेजेंट लाइफ, इफ नॉट व्हाई, आठवां क्वेश्चन है। जो कविता को बोल रही हैं, कविता को बोलने वाली हैं, वो क्या अपने वर्तमान जीवन से खुश हैं? यदि नहीं है तो क्यों नहीं है? द स्पीकर इज नो द स्पीकर इज नॉट सेटिस्फाइड विद हर प्रेजेंट लाइफ, वो खुश नहीं है अपने वर्तमान जीवन से, क्यों नहीं है? बिकॉज सी इज नॉट गेटिंग एनी वन हु कैन लव हर ट्रूली, और वो संतुष्ट नहीं है क्योंकि उन्हें कोई ऐसा नहीं मिल पा रहा है जो उन्हें सच्चाई से प्रेम करे, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं क्वेश्चंस भी ओरली बता चुका, आप लोग ध्यान से सुन करके उसको वो कर लेंगे, नोट बना लेंगे। मैंने उसकी हिंदी भी बता दी, कविता की हिंदी भी बता दी, और आज की क्लास के लिए इतना ही। और कीप सब्सक्राइबिंग आवर चैनल, दैट इज दिस इज एड्यूसर्व, आई एम राजन तिवारी। कीप वॉचिंग एंड प्रोमोटिंग आवर चैनल सो दैट वी कैन बी इनकरेज्ड। थैंक यू।